गाइस बाकी अंदर हमने पूजा पाठ यानी कि अपने मत्था वगैरह बढ़िया तरीके से टेक लिया है, क्योंकि भाई टाइम वगैरह भी बताऊं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। टाइम हो रहा है भाई करीब 11:12, और बाकी जितने भी हमारे सारे के सारे भोले हैं वो यहाँ पे अपने चल रहे हैं। आगे डीजे वगैरह सारी की सारी चीज़ें पहुँच चुकी है। बाकी भाई गोप्रो थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से यही है कि थोड़े बहुत इसमें रात के समय में अपनी कुछ भी नहीं दिख पाता, तो कहने को यही है। अब फटाफट से भाई हम लोग निकल रहे हैं कालकाजी मंदिर, और यहाँ पे सारी फैमिली पूरी पूरी आप देखिए आप लोगों को फ़ोन से शूट करके दिखाते हैं। और हमारे साथ अजय भाई, हमारे प्यारे मित्र, हमारे प्यारे भाई, और ये हमारे विकास भाई के, आप लोगों को मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाया होगा, ये उनके छोटे भाई है। क्या बात है, चलो कैसा लग रहा है भाई हमारा सेटअप वगैरह? मतलब मेहनत सफल दिखी पूरी हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी मेहनत बहुत सफल हुई। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली अभी मैं हम लोग सबके सब जितना भी हमारा ग्रुप है वो रुका हुआ है भाई मनीष भाई की शॉप पे, जिसमें कि हमने ताशे वगैरह वाले सारे भाइयों को हमने भाई कर दिया विदा, क्योंकि भाई टाइम जो हो गया भाई हो गया 11:30 का। और बाकी जो हमारा टेम्पो अभी यहाँ पे मनीष भाई की शॉप पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा जितना भी काम हुआ है वो हुआ है यहाँ पे मनीष भाई की शॉप पे। जितना भी भाई यहाँ पे काम हुआ है यहीं रात भर, मतलब 3 दिन से यहाँ पे हमारा ट्रक खड़ा हुआ था, सारी सेटिंग सारा प्रॉपर जितना भी हमारा ट्रक का काम है वो सारा का सारा इधर ही हुआ है, ठीक है जी। बाकी लोगों को मिलवाने वाले थे हमारे गुप्ता जी से। गुप्ता जी क्या हाल है आपके? जय बोलेगी, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। तो आपका फर्स्ट टाइम रह रहा है ये अपना डाकावर जाने का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है भाई, दिल खुश है, मतलब मजा। अभी तक तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाई बहुत दिल खुश है। और बाकी ये है कि अभी हमने ड्राइवर भैया को हमारे खाने खाने के लिए भेजा है, तो अभी सारे के सारे भाई इधर ही घूम काम रहे, और जिस जिसकी अपने भाई मतलब जरूरत की चीज़ें या कैन वगैरह भी है या फिर जल वगैरह जिसको भर के लाना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें, तो सारे के सारे इकट्ठे करके फटाफट से अपने टेम्पो में कैरी कर रहे हैं। उसके बाद यही है कि आप फटाफट से कालकाजी मंदिर चढ़ेंगे, और बाकी मैं अपनी केदार बाइक को भी ले जाने वाला हूँ। केदार बाइक अपने सामने खड़ी हुई है, और केदार बाइक के साथ अगर हम लोगों को लगेगा कि हम और बढ़िया कहीं भी अच्छी अच्छी ट्रिप कर पाएंगे, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को देखने में मिलने वाली है। ब्लॉग को इन्जॉय कर रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना। बाकी मिलता हूँ आगे आप लोगों से, देखते क्या होता है अब। Next by DJ Sachin Rajput. Thank you.
Oh,
और हमारा ट्रक चल रहा भाई फुल आतंक मचाते हुए, सारे के सारे बोले हमारे बाइकों से है और भाई फुल्ली आतंक मचाए हुआ, फुल्ली आतंक। ये देखो भाई डीजे क्या बात है। गाड़ियां देखो भाई फुल सेट है भाई, ये क्या बात है भाई बहुत ही जानदार। ये देखो भाई सारे सारे डीजे जा रहे, क्या बात है बहुत ही सही। ओए होए क्या बात है, क्या भाई आतंक मच गया भाई, फुल्ली आतंक मच गया भाई। गोविंदपुरी के अंदर ही इतना खतरनाक आतंक मच गया कि क्या ही बताए भाई, कसम से। ओए होए डीजे डीजे भाई, एक डीजे आ गया, क्या बात है बहुत ही सही। ओए मोहित भाई है क्या, मतलब कहने को यही है कि सबसे ज्यादा क्रेज आप लोगों को 11 तारीख को देखने को मिल रहा है। 11 तारीख को इतना खतरनाक डीजे सेटअप जा रहा है, बहुत ही खतरनाक।